हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वी फॉर्च्यून डबल वन डबल वन कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सब बहुत ज्यादा अच्छे हो गाइस सो आज की जो वीडियो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए ओके okay, सो so अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज ये सारे साइंस वालों के लिए है और मेल फीमेल दोनों के लिए है और मैं सबके सिचुएशन सबके पार्टनर्स के या पर्सन की सिचुएशन मैं बताऊंगी ओके okay? तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं जब तक शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और पेड पर्सनल रीडिंग्स क्रिस्टल्स लेसेंस वग़ैरह के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएँ वहाँ चेक कर लें ओके पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर अगर परचेज करना है आपको एनर्जाइज फॉर्म में क्रिस्टल्स वगैरह या लेसेंस लेने हैं तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो मुझे इंस्टा पे ईमेल पे, पे या फिर व्हाट्सएप में ओके okay? और आज जो फ्री टैरो रीडिंग गिव अवे का कॉन्टेस्ट चल रहा था उज, आ, आ, उसका आज रिजल्ट निकलने वाला है सो so, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है या फिर जो देखना चाहते हो कौन विनर्स हैं, तो प्लीज आप लोग कम्युनिटी टैब पे जाकर देख सकते हो बहुत जल्द अपलोड की जाएगी रिजल्ट्स ओके okay? सारे साइंस गाइस वाटर ग ओके okay, तो so हमारे पास दो कार्ड्स आ चुके हैं सबसे पहला कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स नाइन ऑफ कप्स ओके तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है किसी तरह के वेटिंग पर हैं ठीक है इस पर्सन के विश फुलफिलमेंट ये है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो फ्रूटफुल वे में आगे बढ़े ठीक है इस पर्सन की ऐसे करंट फीलिंग्स आ रही है कि ये पर्सन चाह रहे हैं विश कर रहे हैं कि काश आप दोनों की जो रिलेशनशिप थी जो कि पहले बहुत ज़्यादा खुशियों वाली थी अच्छी थी बहुत ज़्यादा फुलफिल थी सेटिस्फाइड कनेक्शन चल रहा था वो फिर से रीग्रो करे फिर से ठीक हो जाए सब कुछ ओके एंड ए पर्सन उस चीज़ का वेट कर रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो आप खुद में ग्रोथ कर चुके हो आपने और आप आप शायद इस पर्सन के लिए वेट नहीं कर रहे हो या फिर आप ज़्यादा डिजर्विंग हो चुके हो जहाँ पे आप ज़्यादा डिजर्व करते हो तो ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि काश फिर से सारी चीज़ें आपकी तरफ आ, से हो पाती है सारी चीज़ें आपके साथ अच्छे तरीके से हो पाती ठीक है ये विश कर रहे हैं एंड मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इनकी नज़रें हैं कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेयर करके रखा है इन्होंने या फिर बार बार आपके बारे में सोचते हैं ठीक है या फिर स्टॉक करते हैं आपको तो उनकी करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है ऐसी ओके और भी काज देखते हैं हमारे पास है स्टेन ऑफ शॉर्ट्स तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पेन में है हो सकता है अब दोनों का मेजर ब्रेकअप हुआ है या फिर रिसेंटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर आई है या फिर इनके साथ कुछ बुरा हुआ है या फिर किसी चीज़ की एंडिंग्स हुई है मेजोरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को पछतावा है इस पर्स ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा दुख में इस टाइम फील कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनके ऊपर बैक स्टैप किया है ठीक है आपने कहीं ना कहीं उन्हें झूठ बोला है ये सच्चाई नहीं हो सकती है बट इस पर्सन को फीलिंग्स इस वक्त ऐसी आ रही है और ये पर्सन चाह रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो आप दोनों के बीच में बट ये पर्सन को वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है कि फिर से ये पर्सन नई शुरुआत कर पाएं जिसकी वजह से इस वक्त ये पर्सन आपकी राह देख रहे हैं ठीक है भी कार्ड देखते हैं ओके okay. हमारे पास है सेवन ऑफ कप्स के साथ हमारे पास है फोर ऑफ वॉन्स तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको उनको पहले की पास्ट मेमोरीज सारी चीज़ें याद आ रही हैं हो सकते हैं आप लोग ऑलरेडी मैरिड हुए एक दूसरे के साथ अगर नहीं भी हो तो ये पर्सन डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आप दोनों की मैरिज हो रही है आप दोनों डेट्स पर जा रहे हो आप दोनों घूमने जा रहे हो आप दोनों इन्जॉय कर रहे हो ओके okay? सो so कहीं ना कहीं ये पर्सन को बहुत सारी यादें आ रही हैं आपको लेकर हैं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर प्लानिंग्स करना चाह रहे हैं एंड आपके साथ एक स्टेबिलिटी पाना चाह रहे हैं इस वक्त हो के इस वक्त इस पर्सन को बस आपके बारे में भी ख्याल आ रहा है ठीक है ये जहाँ पर भी जा रहे हैं कोई ना कोई एक चीज़ से ये पर्सन आपको रिमाइंड कर रहे हैं इस वक्त ठीक है तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है और भी कार्ड्स देखते हैं ये सारे साइंस वालों के लिए गाइस मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि साइंस को लेकर कुछ लोग टेंशन में रहते हैं तो टेंशन में बिल्कुल मत रहिएगा एनर्जीज पे फोकस कीजिए आप लोग ठीक है और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी इस सारी फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा के रखते हैं ठीक है वो आपको बताना नहीं चाहते आपको जताना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको उनको ऐसा लगता है कि उनकी एक इमेज है और वो इस इमेज इमेज को गिराना नहीं चाहते मतलब उनकी ऐसी मैंटेलिटी है ना कि वो नीचा नहीं हो नीचा नीचा नहीं हो सकते ठीक है आपसे तो उनकी ऐसी है कि वो अपने दिल की बात आपको बताएंगे नहीं खुलकर क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि अगर वो आपको बता देते हैं और आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो कुछ भी तो इनकी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी या फिर इनकी जो ईगो है वो हर्ट होगी ठीक है हमारे पास है जजमेंट वाओ तो ये जो पर्सन है इस पर्सन को हो सकता है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है एंड ये जो पर्सन है डेफिनेटली प्रेयर्स कर रहे हैं आपको पाने के लिए ओके okay? इनकी इच्छा है क्योंकि ये आपको पेंटिकल्स के रूप में देखते हैं आपको ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो ठीक है लेकिन इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है तो ये पर्सन भगवान से प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए एंड हो सकता है कि पहले इस पर्सन ने आपको जज किया हो लेकिन अब ये पर्सन कुछ जजमेंट डिसीजन आपकी तरफ लाना चाहते हैं यहाँ पर टेन 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 है ठीक है तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में एक फेज खत्म होने ही वाला है या फिर हो चुका है एक नया बिगनिंग होने वाला है आप दोनों के कनेक्शन में एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है आप दोनों के कनेक्शन में ठीक है कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर हो सकते हो सोलमेट हो सकते हो ठीक है यार नंबर्स ये दिख रहे हो हो सकते हैं अगेन यहाँ पे सेवन सेवन है मास्टर नंबर है रीयूनियन का नंबर है तो डेफ़िनेटली रीयूनियन नज़दीक दिख रही है मुझे बहुत लोगों की आप लोगों के लिए और ये एक सीरियस रीयूनियन होगा ठीक है ऐसा नहीं होगा कि इन एंड आउट वाला सिचुएशन ऐसा नहीं होने वाला है ठीक है मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है ठीक है इस पर्सन को सिम्बॉल्स में ड्रेसिंग क्रॉनिसिटीज इस पर्सन को दिख रही है ये पर्सन मजबूर हो रहे हैं मानने के लिए कि इस कनेक्शन के कुछ सिग्निफिकेंस है इनके लाइफ में ये ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ये जो पर्सन है हो सकता है कि अपने ऊपर ज़्यादा फोकस थे ठीक है अपने काम पर अपने पैसों पर इनका ज़्यादा फोकस था ओके लेकिन अब ये जो पर्सन है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जितना वैल्यू वो अपने काम पे अपने आप पे फाइनेंसिस पे देते हैं उतनी ही वैल्यू उनको आपको भी देनी चाहिए ठीक है तो ये पर्सन आपके तरफ एक ऑफर लेकर आना चाहते हैं आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं ओके okay? और विकास देखते हैं नाइट ऑफ स्वच्छ किंग ऑफ Wands तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है इस पर्सन के अंदर प्यार है आपको लेकर ये पर्सन कुछ मूवमेंट्स अपने तरफ से लेना चाहते हैं लेकिन इनकी जो ईगो है वो उन्हें बीच में रोक देती है इनको ऐसा लगता है कि नहीं आ, मुझे ये सब चीज़ें शोभा नहीं देंगी ठीक है मेरा ऐसा इमेज है मेरा ऐसा रिपूटेशन है मैंने अगर ऐसा बिहेव किया है अगर मैंने ऐसा आ, ऐसा uh, ऐसा मैंने ट्राई किया तो शायद मेरी जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी ठीक है तो इस पर्सन की मैंटेलिटी इस टाइम ऐसी चल रही है ठीक है तो इनके इनको ऐसा लगता है कि अगर इनिशिएट लेंगे या कुछ uh, आपको आके बोलेंगे अपोलॉजी मांगेंगे तो इनका पर्सनैलिटी इनका इमेज खराब हो जाएगा जो इनको शोभा नहीं देता ओके okay? तो थोड़ी सी इगोस्टिक इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है डोमिनेटिंग भी दिख रही है बट प्यार इनके अंदर है और ये आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं ठीक है फोर्सफुल वे में क्विक एक्शन लेना चाह रहे हैं इस वक्त ओके okay. तुम्हारे पास कार्ड है द हाई प्रिस्टेंस तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं ठीक है uh, हो सकता है कि ये uh, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा uh, इन्होंने भी सर्च किया है आपके तरह सोल में ट्विन फ्लेम्स या फिर uh, इनके इनके आंखों के सामने ये सब वीडियोस या ये सब टर्म्स ठीक है आ रहे होंगे ऐसा हो सकता है ठीक है और इस पर्सन को थोड़ा सा लग रहा है कि आप दोनों अलग हो डिफ्रेंसेस हैं आप दोनों के बीच में बट स्टिल कुछ ना कुछ आप दोनों का सोल कनेक्शन यहाँ पर है ठीक है और ये पर्सन अपने इंट्यूशन को डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं अपने थॉट्स पे फोकस कर रहे हैं हो सकता है एक टाइम पे ये पर्सन कन्फ्यूज रहते थे ठीक है लेकिन अब ये पर्सन अपने दिल की सुन पा रहे हैं अब इन, इनके ऐसे थॉट्स में लड़ाइयाँ नहीं हो रही है ठीक है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं और इस पर्सन की भी मैंटेलिटी ऐसे ही हो रही है कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आकर स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं और आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाकर कुछ ऑफिशियल नोट पे चेंज करना चाह रहे हैं ठीक है चाहे शादी करना हो या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना हो या कुछ भी चीजें हो जैसी आप दोनों दुन, की सिचुएशंस हो ठीक है बॉटम ऑफ द डेक्स हमारे पास है सिक्स ऑफ वॉन्ट्स अगेन ये जो पर्सन है आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ये चाहते हैं कि ये जब आए तब इनका ईगो हट ना हो ठीक है या फिर इनको सुनने को ना मिले खड़ी खोटी सुनने को ना मिले ये बस आए आपको अप्रोच करें आप मान जाओ एंड देन फिर आप दोनों की शादी हो जाए या आपको कमिटमेंट मिल जाए ठीक है तो ये पूरे तरीके से प्राइडफुल वे में आपके लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं इस वक्त ओके तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है तो चलिए और भी कार्ड देखते हैं कि और भी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए हो सकता है रिसेंटली इस पर्सन के लाइफ में कुछ हुआ है जो उतना अच्छा नहीं है हो सकता है कि इन्जॉय तो कर रहे हैं थोड़े बहुत अपने लाइफ में लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सा हर्ट हर्टफुल एनर्जी इनके माइंड दिलो दिमाग में है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं सब कुछ होने के बावजूद तो हमारे पास सिक्स चक्र आर्खी एंजल मेटाट्रॉन तो डेफिनेटली इस पर्सन की हो सकता है था, थर्ड आई चक्र की एक्टिवेशन हुई है ये इस पर्सन को क्लियर क्लियरली इनसाइट्स आ रहे होंगे या फिर ये पर्सन अच्छे तरीके से अपनी इंट्यूशन को सुन पा रहे होंगे और इनकी इंट्यूशन इनको यही कह रही है कि इनको आपके तरफ वापस आना चाहिए इनको कुछ इनिशिएशन लेना चाहिए आपके तरफ ओके नंबर फोर्टी ठीक है अगेन यहाँ पे फोर फोर है यहाँ पे फोर है यहाँ पे फोर फोर है ट्रिपल फोर इतने सारे सिंक्रॉनिसिटीज़ गाइस इतने ज़्यादा सिंक्रॉनिसिटीज वाओ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप ही उनके ट्रू लव हो ठीक है आपने उनको पूरे दिल से मोहब्बत किया है चाहे आप लड़के हो या लड़की हो डेंट मैटर और इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं अब वक्त आया है कि ये भी पूरा प्यार आपको दे जो आप डिजर्व करते हो ठीक है इस पर्सन को ऐसा रियलाइज हो चुका है कि जो सच्चा प्यार था वो कहीं ना कहीं सिर्फ आपने ही उनसे किया है तो अब उनका टाइम है कि वो भी आपको रिटर्न में कुछ दें फिफ्थ चक्र आर कैंड जल गैब रियल थ्रोट चक्र तो हो सकता है कि इस पर्सन को बोलने में अभी भी दिक्कत हो रही है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं लेकिन ये पर्सन आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं ठीक है इनको कुछ चीजें क्लियर आउट करनी है इनको बात करना है आपसे इनको अपने दिल की बात आपको कहनी है लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं और एक कार्ड देखेंगे हम ठीक है द टेम्पल पाथ वाओ तो डेफिनेटली इस पर्सन का ऐसा लग रहा है आप दोनों का स्पिरिचुअल बॉन्ड है अब ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपके तरफ आगे बढ़े आप दोनों के कनेक्शन को आगे बढ़ाएं बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन को ये पर्सन लेट गो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये जो कनेक्शन है उनके लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है ओके और इनको डेफिनेटली रास्ता दिखाया जा रहा है गाइडेंस दी जा रही है एंड ये जो पर्सन है उसी रास्ते में चलना चाह रहे हैं इस वक्त ओके वाट ऑफ द डेक्स है डोर टू तो पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस तो मुझे लग रहा है अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन था तो आप दोनों ने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है अपने अपने चीज़ों पर अपने अपने लाइफ पर वर्क करने के लिए मुझे लग रहा है, कि ये जो है बहुत ज्यादा हील हुए पास से अब इस पर्सन के अंदर जो वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हील हो चुके हैं और अब ये पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है जो है वो कहीं ना कहीं कही आपके साथ ही मौजूद है okay? तो अब हम उनके मैसेजेस देखते हैं कि पहले हम गाइडेंस देख लेते हैं ओके okay? आपके लिए गाइडेंस देखते हैं एक गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है cosmic gateway your thoughts are कॉस्मिक गेट अवे योर थॉट्स आर मैग्नेटिक हो सकता है कुछ लोग आप लोग तो मैनीफेस्ट कर रहे हो या फिर आपकी बहुत पावरफुल है तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी बहुत पावरफुल है तो आप जैसा सोचोगे आपको वैसा मिल जाएगा अगर आप सोचोगे कि इस सो से मुझे मूव ऑन करना ये पर्सन मुझे चाहिए ही नहीं तो वो हो जाएगा अगर आपको चाहिए कि नहीं ये पर्सन आपके पास आए एंड आप दोनों का ये हो जाए तो वो भी हो जाएगा तो अपने थॉट्स पर आप फोकस करें बिकॉज आपकी थॉट्स ही सब कुछ डिसाइड करेगी कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है ठीक है क्योंकि कुछ मिराकलसनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं तो अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा बुरा सोचोगे तो बुरा होगा ठीक है तो ये आपके ऊपर है तो तो मैसेजेस देखते हैं गाइस तो सबसे पहला मैसेज है हे बेब यू आर सो एट्रैक्टिव आई कान कंट्रोल माई सेल्फ तो ये पसन बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव मानते हैं आपको ओके okay? एंड ये पर्सन बस आपके बारे में सोचते रहते हैं अपने आप को ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं फिर है क्या हम मिलकर लाइफ को इन्जॉय नहीं कर सकते आई वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू तो ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं इस वक्त सोच रहे हैं इमेजिनेशन में है ये पर्सन फिर है हमारे पास आई नो दैट यू आर परफेक्ट फॉर मी बट देर इज़ नो स्टेबिलिटी तो इस पर्सन को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो बट स्टेबिलिटी की कमी है यहाँ पर फिर है मैं नहीं चाहता या चाहती कि तुम किसी और को देखो या उन्हें टाइम दो आई एम जेलस तो ये पर्सन इस, इस वक्त जेलस भी हो रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी और से बातचीत कर रहे हो या किसी और को अपना टाइम दे रहे हो जो ये टाइम आप उनको दिया करते थे ठीक है तो अब और भी मैसेज देखते हैं ओके okay. तो सबसे पहला मैसेज है काश अभी तुम मेरे बाहों में होते या होती ठीक है तो ये पर्सन आपको हक करना चाहते हैं फिर है सेवन और एल तो सेवन और एल आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी भी एस्पेक्ट में फिर है यू आर माय एवरीथिंग थिंग तो आपको अपना सब कुछ मानते हैं फिर है मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ डेफिनेटली आपके लिए ये पर्सन ड्रीमिंग डे करते हैं विजुलाइज करते हैं आपको ओके एंड दे वॉन्ट टू टच यू फिर है ट्रिपल टू वाओ ये नंबर तो था नहीं यहाँ पर ओके सो अगेन सिंट्रॉनिक सिटीज गाइस कुछ लोग यहाँ पे कंफर्मेशन है ट्विन फिल्म हो आप लोग ट्रिपल टू आ रहा है और कुछ मैसेज देखते हैं ओके okay. बहुत सारे मैसेज आ गए चलिए देखते हैं तो यहाँ पर है जी तो जी इम्पॉर्टेंट uh, हो सकता है लिए आपके लिए लेटर या आपके नाम में उनके नाम में हो सकता है कुछ हो सकता है प्लीज़ डोंट एवर फॉर मी वो चाहते हैं कि आप उन्हें कभी ना भूलो फिर है आई नो आई हर्ट यू तो इस पर्सन को पता है कि इनकी गलतियाँ क्या है फिर है आई रिग्रेट तो इस पर्सन को रिग्रेशन है किसी बात का अगर उन्होंने आपको धोखा दिया चीट किया आपसे आप दूर गए तो फिर है टॉल तो ये पर्सन टॉल हो सकते हैं आप हो सकते हो फिर है सिंगर वाओ तो ये पर्सन हो सकता है सिंगर हो या फिर इनको गाने का शौक हो या फिर ये पर्सन आपको गाना सुनाते थे या फिर आप उनको गाना सुनाते थे या फिर इस पर्सन ने कभी आपके लिए गाना कंपोज़ किया हो, हो सकता है ओके कुछ ना कुछ सिंगिंग सॉन्ग से रिलेटेड है आप दोनों के कनेक्शन में फिर है एफ़ तो एफ़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एफ एल जी ओके सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आए अगर पसंद आए रिजोनेट हुई है तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज तब तक के लिए बाय बाय